नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग जहाँ भी रहिए खुश मस्त स्वस्थ रहिए। मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगी। और आप लोग को मैं आज चल रही हूँ कनक भवन दर्शन कराऊँगी, उसके बाद फिर मैं मार्केट दिखाऊँगी कि अयोध्या टूटने के बाद अब बनी है। तो अयोध्या अयोध्या लग रहा है, पूरा कमेंट ज़रूर कीजिएगा अयोध्या कैसी लग रही है, क्योंकि जो गाना बनाया है ना, अयोध्या दुल्हन सी लगेगी, तो वैसे ही है मेरे राम जी का अयोध्या नगरी। देखिएगा कैसी है, मैं पूरा आपको दिखाऊंगी। पूरा कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग कहाँ से हैं, मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। तो देखिएगा, हम घर से निकल चुके हैं, कनक भवन पहुँच चुके हैं। तो हम जा रहे हैं कनक भवन अंदर। तो देखिएगा, ये जो सामने दिख रही हूँ सबरी माता है, जो राम जी को अपना मतलब कितना प्रेम भाव से बैर खिलाई थी, ये सामने खड़ी है। तो अभी देखते रहिएगा, मैं थोड़ा सा बच्चों वाली हरकत भी की हूँ। तो देखिएगा बंदर को कैसे मैं हरकत से देखना, मैं थोड़ा सा ये देखो मैंने किया था ये सब, मैं सोचा बंदर है, थोड़ा सा मजाक करती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब यहाँ बंदर वगैरह काट भी लेते हैं, क्योंकि बंदर का ही है अध्याय मंदिर, बंदर साधु प्लीज यहाँ पर ज़्यादा है। तो देखिए कनक भवन में ऊपर से दिखा रही हूँ कैसी लग रही है। तो कुछ लोग दर्शन करके वापस भी आ रहे हैं कुछ लोग। तो देखिए, मैं स्लीपर उतार चुकी हूँ, ये है मेरी दोनों दीदी जो कि सीतापुर से आई थी दर्शन करने के लिए। बोले चलते हैं दर्शन करने, हमने कहा चलिए चलते हैं। तो देखिए मैं जा रही हूँ अब ऊपर दर्शन करने। तो आप लोग ऐसे पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने दर्शन करवाया है। तो जो अयोध्या नहीं आ पा रहे उनको वीडियो के माध्यम से दर्शन करवाइए। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मेरी अयोध्या में कनक भवन सरकार कैसे लगती है। तो मैं जा रही हूँ अंदर, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि कनक भवन बहुत बड़े में बना हुआ है और भगवान जी जहाँ पे। तो देखिए मैं मत्था टेक चुकी हूँ और अंदर जा रही हूँ। तो देखिए कितने लोग आ रहे हैं दर्शन करने। तो देखिएगा कितना बहुत अच्छा लगता है कनक भवन। अगर मन दुखी हो ना तो अयोध्या में कनक भवन जरूर चलते हैं, बैठे तो इतना ज़्यादा शांति मिलती है, मन को इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, क्या पता। तो मैं आ गई हूँ अंदर कनक भवन में, जो आंगन बना है वहाँ पर आ चुकी हूँ। और यहाँ पर जो कुछ मतलब किन्नर नहीं कह सकते, किन्नर ही है, बट ये लोग मतलब मांगने वाले नहीं हैं। ये लोग ऐसे ही जो अयोध्या में मंदिर है वहाँ पर एक गाँव की अपने, ये बात की पिक्चर तुम्हें
तो ऐसे पकड़ो कुछ कर कल ब्लॉग डालेंगे ना चंदन पीला वाला चंदन। हाँ हाँ हेलो अरे ऐसा बोल बता कहाँ छिला छिलावा मिला थे हम ले जाने काम पे पहाड़ी थे और डेरी बाजार हो जाए चलिए
जैसे मन हुआ बताओ, हम का बताइए, साथ में चलो तो चलिए, हम और साथ है पीछे ना तो उतना चलिए। ये तो भागवत हो रही है, सोने से केले के खंभे बनाए गए, केला का खंभा उसमें थोड़ी चीनी का अभाव होती है, तो सोने से कदली स्तंभ बनाया गया है, स्वर्ण का। हरित मणि से बांस बनाया गया, बांस हरा होता है तो हरित मणियों की बांस को बनाया गया है, और सोने की पान की लता बनाई गई है। जब पान का पत्ता पक जाता है ना तो पत्ता पीला हो जाता है, तो सोने से इस मंडप में पान के पीले पत्ते बनाए गए हैं, और सोने की नाग देवी को ही रचक के मंडप बनाया गया है। तो देखिए फ्रेंड, मैं आ चुकी हूँ दशरथ महल। हमने कहा जब अयोध्या आए ही हैं, कनक भवन आए ही हैं, तो दशरथ महल का भी दर्शन कर लूँ मैं, जो राम लक्ष्मण भरत शत्रु हैं, मतलब तीनों चारों भाई थे उनका यही है, मतलब जब दशरथ महल है तो उन्हें के मतलब चारों लोग तो उन्हीं के पुत्र थे, यही है उनका। तो देखिए मैं पूरा अंदर जा रही हूँ, आपको दर्शन कराती हूँ। आने के बाद यहाँ पर बहुत सुकून मिलता है, तो देखिए सब लोग यहाँ पर गाना वाना बजा रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो ही शूट कर लूँ। तो पूरा बने रहिएगा, पूरा दर्शन कीजिएगा, मैं नहीं सोचती कि आप लोग डिस्टर्ब हों, इसलिए आपको शांतिपूर्वक मैं दर्शन कराती हूँ, बने रहिए।
चलो यहाँ ये वाला कम कितने का दे दिया? 30 रुपए का बोतल दे दी बच्ची दे अब तो वाले देखा दे चिकन वाले का और महीन वाले याद है किनारे हो जाओ बाबू कहाँ गए नए बाबू क्या कुछ तुम अपने हम कुछ खरीदे तो इतना कुछ पहनने वाला नहीं है देखो अल्लाह तो देखिए दोस्त हम दीदी के साथ घूमने आए हैं। दीदी बोल रही है इतना देर से कि कुछ खरीद लो कुछ खरीद लो। हमने कहा कि हम कुछ पहनते नहीं है तो बाद में कह रही है कोई खिलौना ले लो। हम हमें ना समझ में बुढ़ा देख लो।